नमस्कार, पंचनामा के साथ हाजिर हूं रुमाना इसार खान। शुरुआत पंचनामा की दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर हरियाणा के नू से, डीएसपी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद डीएसपी हत्याकांड के एक आरोपी को पकड़ लिया है। इकर इस आरोपी का नाम है। इस बदमाश को पैर में गोली लगी, इसके बाद पुलिस ने इसको पकड़ा। नू में खनन माफियाओं पर डीएसपी की हत्या का आरोप है और इस मामले में पहली गिरफ्तारी। संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र काबू किया जाएगा, और इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। हरियाणा में बेखौफ खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह नू के पंचगांव में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे थे। सुरेंद्र सिंह जैसे ही अपनी कार से उतरे, माफियाओं ने सुरेंद्र सिंह पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तीन टीमें बनाई हैं। सुरेंद्र सिंह नू जिले के तावड़ू उपमंडल में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। सुरेंद्र इसी साल डीएसपी के पद से रिटायर होने वाले थे। बता दें कि मेवात में अवैध खनन का बड़ा सिंडिकेट चलता है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर इस सिंडिकेट को खत्म करने की कोशिश में लगा था। आपको बता दें, डीएसपी हत्याकांड को लेकर हरियाणा में सियासत भी तेज हो गई है। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या के बाद खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। तो वहीं इस हत्याकांड पर कांग्रेस बीजेपी पर चौतरफा हमला बोल रही है। सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और सरकार में बैठे किस किस सफेद पोश का माइनिंग माफिया से गठजोड़ है उसकी जांच। अगली खबर नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई है। नुपुर शर्मा की जान लेने के लिए पाकिस्तान से आया घुसपैठिया पकड़ा गया। रिजवान अशरफ नाम का यही वो घुसपैठिया है जिसके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने का मकसद था नुपुर शर्मा की हत्या। राजस्थान के श्री गंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने रिजवान को घुसपैठ करते पकड़ा, लेकिन इसके मंसूबों ने जवानों के कान खड़े कर दिए। रिजवान अशरफ मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है। पूछताछ में रिजवान ने बताया कि वो नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से हिंदुस्तान आया है। रिजवान के मुताबिक मौलवियों की एक बैठक में नुपुर की हत्या का प्लान बना था। राजस्थान बॉर्डर से पहले रिजवान ने पंजाब सीमा से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। सूत्रों के मुताबिक रिजवान घुसपैठ के बाद पहले अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने वाला था, उसके बाद हत्या का प्लान था। आपको ये भी बता दें कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मचे बवाल केस में नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 10 अगस्त तक नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नूपुर शर्मा ने जान को खतरा बताते हुए सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। कोर्ट में नूपुर शर्मा की तरफ से दलील दी गई कि उनकी जान को पहले से ही खतरा था, लेकिन 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार के बाद यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया। नूपुर शर्मा की तरफ से पटना में गिरफ्तार पीएफआई संदिग्धों का भी जिक्र किया गया है कि कैसे उनके फोन से नूपुर का पता मिला। और देखिए, पटना में पीएफआई संदिग्धों के मोबाइल से नूपुर शर्मा का पता मिला है। पटना में गिरफ्तार पीएफआई संदिग्धों को लेकर पहले तो आतंकी ट्रेनिंग और विदेशी फंडिंग की बात हो रही थी, लेकिन जांच में एक सनसनीखेज खुलासा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार अतर परवेज के मोबाइल से नूपुर शर्मा का नंबर और पता मिला है। दावा है कि पूछताछ में अतर ने ये बताया कि पता व्हाट्सएप ग्रुप से मिला ताकि नूपुर पर हमला किया जा सके। हालांकि पुलिस इस पर कुछ भी कहने से अभी बच रही है। ऐसे कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसमें ये दिखा है कि नूपुर शर्मा के एड्रेस और मोबाइल नंबर फॉरवर्ड किए जा रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में। नो कमेंट प्लीज।
जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि नुपुर शर्मा का वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश की साजिश रची गई थी। पटना से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पीएफआई पर बैन की मांग तेज हो गई है। कि किस तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा के पूर्व उनकी पूरी तैयारी थी, और अब जो खुलासा हुआ मुझे लगता है कि अब इसके बाद बिहार सरकार और भारत सरकार को इस संस्था पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करना। बिहार में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर चाकू मारने का एक मामला सामने आया है। हालांकि बिहार पुलिस ने नुपुर एंगल खारिज किया। नुपुर शर्मा को लेकर खून खराबे का मामला बिहार में दस्तक दे चुका है। आरोप है कि सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने को लेकर हुए विवाद में अंकित झा नाम के युवक पर चाकू से हमला किया गया। अंकित की गंभीर हालत देखते हुए उसे दरभंगा रेफर कर दिया गया है। वीडियो देख रहे थे, वो लड़का आया, बोला कि क्या देख रहा है, तो तीन जन से झगड़ा हुआ, चौथा आके चाकू मार दिया, तीन जन आके चाकू मारा किसी से। अंकित के परिवार का तो आरोप है कि पुलिस ने केस में नुपुर शर्मा का जिक्र नहीं करने का दबाव बनाया। हालांकि पुलिस चाकूबाजी में नुपुर के एंगल को नकार रही है। विवाद हुआ, उसमें विवाद आगे बढ़ के आपसी में दोस्तों के बीच में चाकूबाजी हो गई। एबीपी न्यूज ने मौके पर भी लोगों से बात की तो सब सिगरेट की ही बात कह रहे हैं। यही वो दुकान बताया जा रहा है जहाँ पे ये झगड़ा हुआ था, पूरा मामला यहीं पे हुआ था। सिगरेट पीने कर्म ही यही तो धुआं को लेकर के विवाद हुआ, यही से इसी में जैसे से उसके साथ ही घटना हो गया। पूरे मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना को जान से मारने की धमकी दी गई। लिखा है किरोड़ी मीना अब 13 नंबर है। ये धमकी भरी चिट्ठी राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना को उनके दिल्ली वाले घर पर भेजी गई, जिसको लेकर राजस्थान तक की सियासत गर्म है। दरअसल इसी महीने किरोड़ी लाल मीना ने उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से मिलकर अपनी एक महीने की सैलरी देने का ऐलान किया। अब इसी को लेकर किरोड़ी लाल मीना को जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसे शरारती तत्वों का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है राजस्थान में। वहाँ की सरकार दरअसल में ऐसे तत्वों के साथ रियायत करती है, क्योंकि आप जानते हो स्वभाव से हमारे मुख्यमंत्री तुष्टिकरण के आदि हैं। चिट्ठी में धमकी देने वाले ने अपना नाम कादिर अली राजस्थानी लिखा है। किरोड़ी लाल मीना ने पुलिस में शिकायत की है, साथ ही बीजेपी पूरे मामले को लेकर गहलोत सरकार पर आरोप लगा रही है। बात कर लेते हैं लखनऊ के लुलु मॉल की, जिससे लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। नमाज पढ़ने का मामला कैसे एक बार फिर से विवादों में है, दिखाते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल के नमाज विवाद में आचार्य परमहंस ने एंट्री मारी है। परमहंस अपने धर्म दंड के साथ लखनऊ के लुलु मॉल पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें एंट्री करने से पहले ही रोक लिया। इसको लेकर आचार्य परमहंस और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। पुलिस ने आचार्य परमहंस को हिरासत में ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ मॉल में नमाज पढ़ने वाले चार आरोपियों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान और मोहम्मद नोमान के रूप में हुई है। वायरल वीडियो में 9 लोग लुलू मॉल में नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस बाकी 5 आरोपियों की शिनाख्त में जुटी है। सीएम योगी ने भी लुलू मॉल में नमाज पढ़ने की निंदा की है। अब बात एक और विवाद की, सेना भर्ती में जाति को लेकर जंग शुरू हो गई। जहां जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो बस देश के लिए धड़कने वाला दिल और देश पर जान कुर्बान करने का जज्बा, यानी भारतीय सेना। लेकिन इसी सेना में जाति को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। विपक्ष अग्निपथ योजना में अभ्यर्थियों से जाति प्रमाण पत्र मांगने का आरोप लगाकर सरकार पर हमलावर है। अग्निवीर देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की स्कीम है, अब उसमें जाति पूछकर आप और बंटवारा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये व्यवस्था 1949 से चली आ रही है। जो पहले व्यवस्था थी हमारी आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आरजेडी ने तो जाति के सहारे छटनी की साजिश का आरोप लगा दिया। सियासी विवाद के बीच सेना का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र पहले भी मांगे जाते रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में आज विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने अपना नामांकन दाखिल किया।
मार्गरेट अल्वा के नामांकन में संजय राउत की मौजूदगी ने कई लोगों को हैरान भी किया, क्योंकि शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के समर्थन में थी, लेकिन अब वो विपक्ष के उम्मीदवार के पीछे खड़ी है। खैर, मार्गरेट अल्वा का नामांकन तो हो गया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर निशाना दागने का मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी का दावा है कि मार्गरेट अल्वा खुद कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बता चुकी हैं। कांग्रेस करप्ट पार्टी है, ये सारे विपक्षी मिलकर कह रहे हैं, क्योंकि मार्गरेट अल्वा ने ये बातें की। उन्होंने कहा कि डिफेंस डील गांधी फैमिली करती है, पैसा लेकर टिकट जो है गांधी फैमिली बांटती है। 5 बार की सांसद और 4 राज्यों की राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा ने करेज एंड कमिटमेंट नाम की किताब भी लिखी है। महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। संसद परिसर में भी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी सांसद शामिल हुए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अन्य विपक्षी सांसदों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कर्नाटक में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और GST को लेकर सड़क पर हल्ला बोला। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महंगाई पर चर्चा से भाग रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष चर्चा नहीं सिर्फ हंगामा करना चाहता है। बिहार में तेजस्वी यादव के दावे को लेकर सियासत तेज हो गई है। क्या तेजस्वी यादव ने बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करने की पेशकश की थी? क्या नित्यानंद रॉय RJD में शामिल होना चाहते थे? इन दोनों दावों ने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया कि तेजस्वी ने घोटाले के आरोपों से मुक्ति दिलाने पर बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद का भरोसा दिया था। तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार पे जिस तरह के घोटाले मौजूद हैं, कोई उनको दुनिया में मदद नहीं कर सकता है। उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा, और इस तरह के कॉम्प्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से कभी नहीं करती है। दरअसल कल ही तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि नित्यानंद रॉय मंत्री बनने से पहले RJD में आना चाहते थे। नित्यानंद जी तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे। इन दोनों दावों की सच्चाई क्या है ये तो साफ नहीं है, लेकिन इससे बिहार के सियासी दंगल में हलचल जरूर पैदा हो गई है। खबर अब हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही मची है। पहाड़ से बहता ये सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने के लिए आमदा है। घर, दुकान, मकान, गाड़ियाँ, जो भी सैलाब के रास्ते में आई सब बह गई। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं, जहाँ बादल फटने से शलखर गांव में फ्लैश फ्लड आ गया। इस फ्लैश फ्लड ने इलाके में भयंकर तबाही मचाई है। फ्लैश फ्लड का मलबा कई घरों में घुस गया, दूसरी तरफ घर के बाहर और सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। मलबे के कारण सुमदो से शलखर की तरफ जाने वाली सड़कें भी बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश में बादलों की बगावत से इंसानी जिंदगी मुसीबत में दिख रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नुकसान के आकलन के निर्देश जारी किए हैं। और देखिए, बाढ़ बारिश के बीच थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। लहरों के भंवर के बीच जैसे ही ये बस रास्ता पार करने की कोशिश करती है, ये हादसा हो जाता है। अरे ऊपर को आ जाओ। तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत की है, जहां बच्चों को लेने जा रही स्कूल बस पहाड़ी नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त बस में एक भी बच्चा नहीं था और बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। बाद में क्रेन की मदद से बस को भी निकाल लिया गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते पहाड़ी नाले पूरे उफान पर हैं। पूर्णागिरी धाम के पास श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। यात्री ऐसे हो रहे हैं परेशान। ऐसी ही लापरवाही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी नजर आई। यहां पुल टूटने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर इसी तरह नदी को पार कर रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति अब भी बनी हुई। रस्सी की मदद से एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कवायद में जुटे हैं। बाढ़ का पानी छाती तक पहुंच रहा है, लेकिन एसडीआरएफ के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बदहाली की तस्वीरें महाराष्ट्र के वर्धा की हैं, जहां बारिश के बाद समुद्रपुर और हिंगण घाट के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। एसडीआरएफ और स्थानीय लोग बचाव के काम में जुटे हुए हैं। हिंगण घाट में बाढ़ में फंसे 479 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वर्धा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। अकोला जिले के गांधीग्राम पूर्णा नदी के उफान के कारण अकोला अकोट मार्ग बंद हो चुका है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं चंद्रपुर में भी कई इलाके बाढ़ की जद में हैं। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। एसडीआरएफ की टीम लोगों तक राहत पहुंचाने और रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। तो वहीं अमरावती में बारिश के कारण कच्चा घर जमींदोज हो गया है। घर की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल भी हुए हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 जिले बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 3 टीमों की राज्य में तैनाती की गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।